दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ज्योतिरादित्य इतने घबराए हुए क्यों है। आज राहुल गांधी ग्वालियर आ रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे। मैं गुना नहीं छोड़ूंगा, मैं मुंगावली नहीं छोड़ूंगा, मैं तो यही रहूंगा, मैं भी रहूंगा, मेरा परिवार भी रहेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम बसपा के उम्मीदवार को तोड़ के भी कांग्रेस में ले आएंगे, काहे का डर है मेरे भाई। अगर 5 साल जनता की सेवा की है तो आज काहे को डर रहे, काहे को परेशान। डर इतना कि बसपा का उम्मीदवार तोड़ के कांग्रेस में शामिल कर लिया। उधर बहन जी नाराज हो गई, मायावती जी बोली मैं सरकार गिरा रही है, मैं सरकार गिरा रही है। अपने चक्कर में कमलनाथ को ही निपटा रहा भैया। डरी कांग्रेस, परेशान कांग्रेस। और क्यों परेशान ना हो बताओ मेरे बहन और भाइयों, मुंगावली वालों, देखो मैं तो तुम्हें दिल से चाहता हूं, जिताओगे तो अभी तुम्हारा हूं, हराओगे तो अभी तुम्हारा। मामा को कोई गम नहीं है, क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं भाई भीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, और इस्तीफा देकर निकल पड़ा। पहले दिन से कभी मुझे घर बैठे हुए देखा है आपने? कभी घर बैठे हुए देखा है? लेकिन आज कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, ज्योतिरादित्य जवाब दीजिए, आपने किसानों को वचन दिया था कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बोलो कहा था कि नहीं? राहुल बाबा कमलनाथ ज्योतिरादित्य 10 दिन में माफ कर देंगे। आज दिल पे हाथ रख के मुंगावली के मेरे किसान भाइयों, ईमानदारी से मुझे बताना, क्या सब किसान का कर्जा माफ हो गया? इतने जोर से के इधर सुना जाए, हो गया क्या? इतने घबराए हैं कमलनाथ और कांग्रेसी कि कल मेरे घर कांग्रेसी पहुंच गया सब, मुंडी पे धर धर के कह लगे ये सूची है जिनके कर्जा माफ हुआ, ये सूची है। मुंडी पे धर धर के फोटो देखी थी कि नहीं? अब मैंने सूची देखी तो बैंक की सूची नहीं थी, कृषि विभाग की सूची ले आए, कृषि विभाग की। अरे कर्जा माफ बैंक को करना कि कृषि विभाग को करना? मुंगावली वालों बहुत